डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग टेंथ क्लास में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 12.1 यानी कि ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ रहे हैं। ये एक्सरसाइज 12 है, 12वां चैप्टर है एनसीईआरटी का। चलिए तो 12.1 एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन को ज़रा पहले अच्छा से पढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे शो कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। दो वृत्त की त्रिज्या 19 और 9 सेंटीमीटर है, तो आप एक वृत्त बनाइए, एक बड़ा वृत्त बनाइए ताकि इसको लगे कि इसका जो त्रिज्या है, यानी कि इसमें जो R1 का मान, इसको मान लीजिए त्रिज्या को मान लीजिए R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। अब वो छोटा वृत्त है, इसका त्रिज्या दो जो है वो त्रिज्या, इसी को ना बोलते हैं केंद्र से लेकर वृत्त पर के बिंदु को, इसका मान दिया है R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो गो वृत्त दिया हुआ था, दोनों वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। एक गो त्रिज्या का मान लिया R1 और दूसरा वाला का R2। बोल रहा है उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। बोला जा रहा है ना भाई कि इसको और इसको दोनों को मिलाकर एक बड़ा वृत्त बनाया गया है। ठीक है, और इस बड़ा वृत्त जो बनाया गया है इसका परिधि जो है, अच्छा इसका हम लोगों को त्रिज्या निकालना है। जो ये दोनों को मिला देंगे, जैसे ये दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिला करके एक बड़ा वृत्त बनेगा। इस बड़ा वृत्त का त्रिज्या निकाल लो, तो हम त्रिज्या बराबर मान रहे हैं कैपिटल R। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ये दोनों के कौची के जोड़ रहे हैं, तो इसका भी परिधि का जोड़, यानी 19 सेंटीमीटर वाला जो वृत्त है इसका परिधि और 9 सेंटीमीटर वाला परिधि, इसका परिधि को दोनों के जोड़ रहे हैं ना, तो बड़ा वाला जो वृत्त बन रहा है उसका परिधि हमें प्राप्त हो रहा है। तो आप लिखिएगा कि दिया है R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या एगो के दिया है 19 सेंटीमीटर, तो आप इसका वृत्त का परिधि निकाल लीजिए। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला कोची होता है 2πR होता है, तो यहाँ लिख देंगे R1। अरे R के जगह पे त्रिज्या अगर R रहता तो R लिखते हैं, यहाँ R1 है तो R1 लिख दिए। अब 2 का 2 रख दिए, पाई का मान कितना होता है 22/7। तब आपको याद आना चाहिए कि पाई का तो वैल्यू हमको 2 को होता है, एगो 22/7 होता है, एगो 3.14 होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो कहीं नहीं ना बोला कि 3.14 रखना है। अगर 3.14 रखना होगा तो क्वेश्चन में सीधा सीधे दिया रहेगा कि 3.14 का यूज करना है, यहाँ तो कुछ नहीं बोला, इसलिए हम यहाँ रखेंगे 22/7। ठीक है, और गुने R1 का वैल्यू है 19, तो आप ऊपर वाला को गुना कर लीजिएगा और बटा में 7, यानी कि 2 × 22 जितना आएगा 44 आएगा, 44 को 19 से गुना कर लेना है, जो आएगा उतना बटा 7 रख देना है। ठीक, अब चलिए पुनः R2 का मान कितना दिया है, तो 9 सेंटीमीटर। अब इससे भी वृत्त का परिधि निकालिए, तो वृत्त का यहाँ से जो परिधि फार्मूला लगेगा वो कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ से, यहाँ देखिए, वो परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2πR होता है, याद है ना फार्मूला, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πR। तो यहाँ पे इसका परिधि निकालने के लिए 2π इसका R2 माने हैं, तो 2π हो गया R2। ठीक है, अब 2 का 2 रखेंगे, पाई का मान कितना भाई, तो 22/7। ठीक है, और गुने R2 कितना, तो 9। तो इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग,
2 × 22 जितना आएगा उसको फिर 9 से गुना करके ऊपर रख देंगे और बट्टा में 7। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि यही जो मिलाने के बाद जो हमको त्रिज्या निकालना है, इसको हम बड़ा आर मान लिए हैं, कुछ मान सकते हैं, हम यहाँ पे बड़ा आर मान लिए हैं, ठीक है। इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों परिधि के योग के बराबर है, यानी कि अब परिधि का योग निकालिए। अब परिधि का योग तो परिधि का योग में किसको किसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे इतना बटा 7, यानी कि जो जितना आएगा, यानी कि R1 वाला का जितना आएगा ना परिधि इसको, और R2 वाला के जितना आएगा उसको, दोनों को क्या कर लेना है जोड़ के, तो जितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जितना आएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलिए आगे बताते हैं। यहाँ पे जितना आएगा फिर लिखिएगा, फिर यहाँ से लिखना है, क्या लिखना है उसके आगे, दोनों के जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद अच्छा किसको किसको जोड़ना है, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कहाँ पे जोड़ना है, थोड़ा सा भूल गए, ठीक है, यहाँ पे दोनों के जोड़ना है, और जोड़ लेंगे जो टिक किए हैं, किसको किसको जोड़ेंगे, तो ये वाला यहाँ पे और ये वाला, तो दोनों को यहाँ पे जो आया इसको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद क्या करना है, एक्चुअली जोड़ने के बाद जो आएगा उसके बाद फिर यहाँ लिखिएगा, अब नए परिधि कितना है, नए वृत्त की परिधि क्या होगा, तो नई वृत्त की परिधि वही होगा ना जो हम लोगों को यहाँ आएगा जोड़कर, यहाँ जोड़कर जो आएगा ना, इसको और इसको दोनों को जोड़कर जो यहाँ आएगा, वही जोड़कर जो यहाँ आएगा वो हो जाएगा, उसको यहाँ रख देना है, जो टिक वहाँ पे किए थे जो जोड़ के आएगा यहाँ रख देना है, ये हो जाएगा नए वृत्त का परिधि। और नया जो वृत्त का परिधि होगा उसका फॉर्मूला लगाएंगे तो 2πr, तो r का मतलब यहाँ बड़ा r न माने हैं, जो नया वृत्त बन रहा है ये वाला दोनों को मिलाला के बाद एक नया वृत्त बन रहा है, इसका फार्मूला हो जाएगा 2π, इसका त्रिज्या तो हम कैपिटल R माने हैं तो कैपिटल R हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2πr बराबर जितना जोड़ के आएगा, फिर क्या करना है 2 × यहाँ पाई के मान रखेंगे कितना 22/7 गुने में R, अब यहाँ तो जो जोड़ के आया है उसको रख ले रहेंगे इधर, ठीक है, और यहाँ तुम क्या करेगा भाई 2 × 22 हो जाएगा 44/7 गुने में कैपिटल R, और जो जोड़ के आया इधर अभी वैसे ही रहने देंगे, और इसलिए R का मान निकालने के लिए इधर जो जोड़ के आया है वही रखेंगे, लेकिन इधर 44/7 है तो 7 नीचे है तो उसको उधर ले जाएंगे तो 7 और बट्टा में 44 हो जाएगा, और फिर इसको कुछ कटेगा तो काट उट देना है, और जो कट के आएगा उतना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे, अब जितना भी कैलकुलेशन करना है आपको खुद से करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू को अच्छे से देखो आप, क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला जा रहा है, 2 वृत्त की त्रिज्या इस बार दिया है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल, देख लो सवाल सेम है भाई, इस बार हमको क्षेत्रफल को जोड़ना है, ठीक है, और पहला सवाल में बोल रहा था कि परिधि का बारे में चर्चा किया हुआ था कि परिधि को जोड़ना है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं कि आखिर क्या क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 वृत्त है, एगो है 8 सेंटीमीटर वाला वृत्त, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 2 वृत्त है, तो इसको मान लो आप R1 बराबर में 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि एक और वृत्त है उसका, लेकिन त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो इसको एक छोटा बनाइए क्योंकि छोटा त्रिज्या है, तो इसको नाप के नहीं बनाना है, आप अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है, तो इसको मान लीजिए कि R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, कोई नाप उप के नहीं बनाना है, अपने हिसाब से बड़ा और छोटा को देखकर बनाइए, तनी सा 8 सेंटीमीटर तनी सा बड़ा दिखना चाहिए और 6 सेंटीमीटर तनी सा छोटा दिखना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है
इसका क्षेत्रफल, भाई अब की परिधि का कोई मामला नहीं है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आर वन वाला का और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आर टू वाला का, और दोनों के जोड़ेंगे ना, दोनों के जोड़ेंगे तो एक नया वृत्त बनेगा, एक नया वृत्त बनेगा, तो उस वृत्त का हमको त्रिज्या बताना है, समझ में आ रहा है, जो कि इसका जो क्षेत्रफल होगा नया वाला का, ये दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो नया वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सब काम वैसी करना है, यहाँ पे लिखना क्या है, दिया है, ठीक है, क्या क्या लिखेंगे, दिया है आर वन बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक ना, आर वन का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर वन के स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर वन का स्क्वायर करना है, तो आर वन कितना है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 22/7 और गुने में कितना 64, तो 64 और 22 को गुना कर देना है जितना आएगा और बटे में 7, ये कौनची को लेकर हो गया, आर वन को लेकर ना। अब रहा बात कि यहाँ क्षेत्रफल क्यों निकालें, तो सवाल में हमको क्षेत्रफले के बारे में बोल रहा था कि क्षेत्रफल को जोड़ना है, ठीक है। अब चलिए इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे पुनः करेंगे, पुनः आर टू के मान कितना दिया है, तो आर टू के मान दिया है दूसरा वाला त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो अब लिखिएगा फिर से वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला हो जाएगा पाई आर टू के स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पाई के जगह पे आप रखिएगा 22/7, आर टू के मान कितना है 6, तो 6 का हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुने 6 का स्क्वायर 36, और 36 और 22 को गुना कर देना है जो आएगा उतना बटा में 7। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं कि आर वन का भी या ई वाला का भी क्षेत्रफल निकल गया, ई वाला का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम क्षेत्रफल का जोड़ करेंगे, क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल का योग निकाल देंगे। अब क्षेत्रफल का योग कैसे निकलेगा, तो हम जो यहाँ पे पहले वाला का निकाले ना है इतना बटा 7, यहाँ वाला जो आएगा यानी कि इसको अभी नाम 1 दे रहे हैं और यहाँ वाला जो आएगा उसको 2 नंबर दे रहे हैं, तो ये दोनों को क्या कर देना है, यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ देना है। अब 1 और 2 को नहीं जोड़ना है, मैंने 1 के जगह पर जो आएगा और 2 के जगह पर जो आएगा वो दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे तो समझो कि कुछ मिलेगा, और जो मिलेगा उसका भी हम तुमको समझाने के लिए 3 दे दे रहे हैं कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, इसको नाम दे देते हैं 3। उसके बाद तुम क्या करेगा कि जो क्षेत्रफल का योग करके आया उसको बना देना है, अब करके लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल, ये नया वृत्त जो बना है ना दोनों के मिला के उसका क्षेत्रफल भी यही हो जाता है, यानी कि जो यहाँ 3 नंबर पे आएगा कुछ ना कुछ जोड़ के उसको यहाँ रख देना है, ठीक है। अब नया वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला कुछ निकालेगा, तो हमेशा देख लो वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा याद कर लो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हम यहाँ पे नया वृत्त जो बना है उसका कैपिटल आर त्रिज्या माने हैं, तो यहाँ कैपिटल आर लिख देंगे, तो पाई कैपिटल आर के स्क्वायर बराबर 3, यानी कि 3 नंबर पे जो आएगा, और पाई के मान रख देंगे कितना होता है 22/7 गुने में आर स्क्वायर बराबर में 3 नंबर में जो आएगा, मैंने लिखते चले जाना है, इसलिए आर स्क्वायर का मान कुछ होगा तो यहाँ जो रहेगा गुने, इधर 22/7 है उधर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी कि जो भागा में है वो गुना में हो जाएगा और जो गुना में ऊपरे है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 7/22 हो जाएगा, और जो कटेगा से कटम कुटम करके यहाँ पे, समझ रहे हैं, यहाँ पे कटम कुटम करके जो बचेगा से यहाँ लिख दीजिएगा, और आर हमको तो आर का मान चाहिए और यहाँ आर स्क्वायर है, तो इसलिए आप आर का मान निकालने के लिए यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए इधर स्क्वायर हटेगा तो इसको रूट में कर दीजिएगा, और रूट में जितना उसका रूट निकलेगा, जैसे मैंने 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2, और 9 का कितना होता है तो 3, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 16 का कितना होता है तो 4, अगर हम बोलेंगे कि 5 के वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो अगर वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा
तो निकाल के आंसर कर देंगे। अगर पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम उसको आंसर उतना ही रूटे में छोड़ देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके अपने हिसाब से थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेशन करना है, जोड़ घटाओ गुणा भाग, इसमें कुछ नहीं है भाई मेरे। ये चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्या और वृत्त का व्यास किसको कहते हैं, उसका फार्मूला कौन सी है, वृत्त का परिधि किसको कहते हैं, उसका फार्मूला कौन सी है ना। तो आप इन फार्मूले को याद कर लो। हम तो ये बोलेंगे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के दौरान ऐसा फार्मूला याद हो जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और बाकी के इन दोनों क्वेश्चंस को आप ज़रूर बनाकर भेजेंगे। इसी विश्वास के साथ आज हम क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। फिर अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज तक के इतना ही, धन्यवाद।